राधा स्वामी, आपने दो शब्द सुने हैं, दोनों अलग अलग हैं। कबीर साहब ने कहा कि वो जो देश है वो बहुत ही सुहावना है और वहाँ जो दुनिया नहीं है, और आखिर में कह दिया जहाँ पुरुष तहाँ वहाँ कुछ ना है, वहाँ पुरुष नहीं है। अब सवाल पैदा होता है, कबीर साहब तो अब है नहीं जहाँ, मैं उनसे पूछता भाई बाबा जी ये तो बताओ कि आपने कह दिया वहाँ पुरुष नहीं है बाकी सब कुछ है, तो पुरुष पुरुष में क्या हुआ, पुरुष कौन है फिर वहाँ पुरुष नहीं है। पुरुष जो है वो शरीर मन और आत्मा में रहता है, पहली बात तो ये मैंने जो समझी है, वहाँ ना शरीर है ना मन है ना आत्मा है, वहाँ वो देश है हमारा, जहाँ ना शरीर है न मन है न आत्मा है वो, क्योंकि कह दिया जहाँ पुरुष तहाँ कुछ नहीं, कहे कबीर हम जाना, यही कहा ना। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने अपने उस अपने घर को जाना है, वहाँ जहाँ न वेद है न शास्त्र है न जप है न तप है न सूर्य है न चाँद है न भक्ति है, कुछ भी नहीं है, बस वो पूर्ण पुरुष है वहाँ हमारा, तो हमें ये तीन चीज़ों से आगे जाना ही पड़ेगा। अब इधर कह दिया दाता दयाल जी महाराज ने, वो राधा स्वामी धाम है, मैं उनके चरण में पड़ा हूँ और मेरा भाग्य सराहता, ये राधा स्वामी वाले कहते हैं कि वो जो घर है हमारा वो राधा स्वामी है। अब सवाल पैदा होता है कि फिर वहाँ जाएं कैसे, वहाँ जाएं कैसे, उसके बारे में मैं आज आपको कबीर साहब का शब्द सुनाता हूँ। शब्द मिला आपको जी? हाँ, निज नाम के व्यापारी सौदा कर भाई, वो कैसे पहुँचना है, किस चीज़ का सौदा करना है, अपने आप का निज नाम, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, ये मेरा नाम तो माँ बाप ने रखा हुआ है, वो तो वो नाम हो नहीं सकता क्योंकि वो शरीर का नाम है, शरीर के परे का नाम तो है ही नहीं, और शरीर के परे का नाम फिर किस चीज़ का हुआ, जो मेरा असली रूप है उसका नाम क्या है, वो मैं आज आपको बताता हूँ, जो हमें वहाँ पहुँचाएगा जिसका जिक्र कबीर साहब ने किया है और जिसका जिक्र दाता दयाल जी महाराज ने कहा है। उन कबीर साहब ने उस देश का नाम ले दिया कि वो देश हमारा ऐसा है, और जहाँ फैसला कर दिया दाता दयाल जी महाराज के वो नाम वो देश क्या है, वो राधा स्वामी का देश है, वहाँ एक राधा है एक स्वामी है बाकी कुछ भी नहीं है। पढ़ो निज व्यापारी नाम का ध्यान से सुनना। आप लोग आए हैं क्योंकि पिछली दफा नाम के ऊपर मैं बोला था, आज वो नाम है क्या वो मैं आपको बताऊंगा जो हमें वहां पहुंचाएगा। वो कहते हैं कि अगर कोई दुनिया का इंसान निज नाम का व्यापारी है, दुनिया में तो नाम बहुत है, बस देखो कहां कितने कितने नाम मिल रहे हैं, जहां मर्जी जाओ सुबह जाओ शाम को नाम लेकर आ जाओ। वो यहाँ सवाल करते हैं कि कबीर साहब कहते हैं जो निज नाम का व्यापारी है, जो अपने आप को जानना चाहता है, अपने नाम को जानना चाहता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, वो जो जानना चाहता है वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाए, वो गुरु की हाट पर जाए। अब अगली लाइन उन्होंने ये कह दिया कि गुरु की हाट में कौन जाएगा,
साध और संत जाएगा। कितनी ऊंची बात, इसको बात समझना, ये ध्यान से समझना, ये कितनी स्टेजेज हमारी, हम किस स्टेज से जा रहे हैं। एक है नाम सत्संगी, हम कहते मैं ब्यास का सत्संगी हूँ जी, मैं वहाँ का सत्संगी हूँ जी, मैं वहाँ का सत्संगी हूँ, अपने आप को सारे कोई नहीं कहता। सत्संगी किसको कहते हैं, जो सत्य की खोज चाहता है कि सत्य क्या है। अगर वो सत्य की खोज नहीं करता, अगर वो सत्य को जानने का विचार नहीं करता कि दुनिया में सत्य क्या है, तो वो सत्संगी नहीं है। नंबर वन, ये दुनिया के सत्संगी केवल ढोंग है, केवल रिवाज है, एक परंपरा चल पड़ी कि वहाँ से जाओ नाम ले आओ सत्संगी बन गए, और फिर झगड़े करते हैं आपस में कि हमारे गुरु का को अगर शिष्य लड़का है तो लड़की उसके साथ शादी करनी, नहीं तो नहीं करनी। अब तो यहाँ तक भी मैंने सुना है कि जी वहाँ लड़की की शादी करने लगे थे, वो तो हमारे गुरु को मानते नहीं हैं, हम नहीं वहाँ शादी करेंगे, ये ऐसी ऐसी बातें भी हो रही हैं। कहाँ जा रहा है इंसान, मुझे समझ नहीं लगती। नंबर दो, साधु कौन है। साधु वो होता है जो गुरु की बात को, पहले वो सत्संगी बना, सत्संगी बनने के बाद उसने सत की खोज शुरू की और अपने मन की साधना शुरू की, वो साधु है। जो मन को साधता है, जो मन को नियंत्रण करता है, जो मन को कंट्रोल करता है, वो साधु है। साधु वो नहीं है जिसने तिलक लगा लिया, जा मेरे भी आज तिलक लग गया हुआ, माता आई थी उन्होंने तिलक लगा दिया, बस मैं साधु नहीं हूँ, तो वो साधु बन गया, कपड़े डाल लिए गेर में, वो साधु बन गया, वो साधु नहीं है। साधु गृहस्थी भी हो सकता है, मैं कहूँगा गृहस्थी ही साधु है, बाकी साधु कोई नहीं हो सकता। तीसरी बात, फिर साधु के बाद आता है हंस, फिर हंस बनता है। हंस कौन होता है, जिसको विवेक आ जाता है कि ये ठीक चीज़ है, मेरे काम की है और ये मेरे काम की नहीं है, उसको हंस कहते हैं। उसमें विवेक जागता है, और विवेक जागता है दूसरी जगह पर जाने, त्रिकुटी पर जाने से, मन से ऊपर दूसरे दर्जे पर जाने से अंदर आदमी के विवेक जागता है, वो सच और झूठ को जानने में सफल हो जाता है, वो हंस बनता है। उसके बाद आती है परमहंस की बारी। परमहंस जो होता है वो दुनिया से पीछे हटता जाता है, वो दुनिया के पदार्थों से भी प्यार नहीं करता। जैसे हंस, जो परमहंस जो पूर्ण हंस है, वो मोती ही खाता है, बाकी कुछ नहीं खाता। उसका भोजन बहुत लाइट हो जाता है, वो दुनिया की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो अपने आप में रहता है, मोती खाता है और मस्त रहता है, अच्छी अच्छी चीज़ में रहता है, मतलब वो सच्चाई में आ जाता है पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, वो सच्चाई की ओर पूरा अग्रसर हो जाता है, और उसको हम परमहंस कहते हैं। उसके बाद तीसरी स्टेज चौथी आती है, चौथी पांचवी स्टेज आती है, उसको कहते हैं संत। संत प्रकाश में रहता है, संत प्रकाश में चला जाता है, वहाँ ना शरीर का एहसास है ना मन का एहसास है, वो प्रकाश में सुबह शाम चला जाता है और प्रकाश का आनंद लेता है, उसको पूर्ण विवेक हो जाता है, उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वो संसारिक ज्ञान से थोड़ा ऊपर चला जाता है। उसके बाद फिर आखिरी स्टेज आती है परम संत की। परम संत फिर शब्द में चल जाता है, क्या कहा मैंने शो, परम संत जो होता है वो प्रकाश से भी ऊपर शब्द में चला जाता है, उसको परम संत कहते हैं। और उसके आगे फिर आती है बदे गति। बदे गति वहाँ शरीर मन कुछ भी नहीं होता, वहाँ वो अपने आप में रहता है, वो राधा स्वामी पूरा हो जाता है, वो पूरा राधा स्वामी हो जाता है, वहाँ कहने सुनने की बात नहीं रहती। तो ये दो लाइनों का तो मैंने आपको मतलब ये बताया कि वहाँ गुरु की हाथ में कौन जाता है और क्यों जाता है, उसका पर्पस क्या है, वहाँ मिलता क्या है, आगे कभी सब कहते हैं। वो मैं वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ शब्द इन्होंने पढ़ा, जो देश का वर्णन किया, आगे चलो। साध संत जह की भये गुरु हाट लगाए, बन के गए वहाँ ग्राहक, किस चीज के, अपने निज नाम के, मुझे पता लग जाए मैं कौन हूँ,
ये है गाह, वो है असली गाह। आगे साध संत गह की भये गुरु हाट लगाए, सार सबद कछु बतु है सौदा करु भाई। अब वो ये कहते हैं कि वहाँ क्या सार शब्द कुछ वस्तु है सौदा कर भाई। वो क्या बताते कहते भाई तुम सौदा करो, एक सार शब्द है उसका सौदा करो। वो सार शब्द क्या है? उसके सौदे के लिए तो कोई आता नहीं। असल में दुनिया, ये जितना भी धर्म कर्म है दुनिया का, जितने धर्म हैं दुनिया में, इस वक्त मैं नाम नहीं लूँगा, वो सब मन की दुनिया में रहते हैं, इंटेलेक्ट की दुनिया में रहते हैं, वाणी में ही फंसे हुए हैं। वाणी को समझते नहीं कि वाणी कहती क्या है, जो महापुरुष ने बात कही है वो किस स्थान पर जाकर कही है और किस लिए कही है, इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। बस पढ़ने पर जोर दिया हुआ है, मंत्रों के उच्चारण पर जोर दिया हुआ है, यज्ञ हवन करने पर जोर दिया गया हुआ है, जहाँ पूजा पाठ पर जोर दिया गया है, जहाँ ये बताया गया वहाँ यात्रा करो, ये करो, वो करो, बाकी किसी को कुछ पता नहीं वास्तविकता क्या है। और दुर्भाग्य ये है कि दुनिया को भी उस चीज़ की जरूरत नहीं है। दुनिया भी खिलौने ही खरीद कर खुश है कि हम वहाँ गए, हमारा ये काम हो गया, ओ वाह वाह गुरु जी ने ये काम कर दिया, ये कर दिया। कर गुरु जी कुछ भी नहीं करता, करता आप हैं, तुम्हारा विश्वास करता है, तुम्हारी श्रद्धा करती है। यह लिखा है मेरा भाग मैं सराहता हूँ अपना, क्योंकि मेरी प्रीत और प्रतीत बढ़ गई गुरु के प्रति। प्रीत और प्रतीत बढ़ानी है, श्रद्धा और विश्वास बढ़ाना है। श्रद्धा विश्वास बन गया तो काम बन गया, अगर श्रद्धा विश्वास में थोड़ी सी दरार आ गई, पता नहीं होना कि नहीं होना, तो वो धागा टूट जाएगा, फिर आपका काम नहीं बनेगा। क्या कहा मैंने? आप कहते हैं सार वस्तु कुछ और है सौदा कर भाई। ए इंसान, तू अगर गुरु की हाथ पर गया है तो वो जो सार शब्द है उसको तू समझने की कोशिश कर। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका एक नुक्ता बताता हूँ, एक नुक्ता। परमदयाल जी महाराज ने जो बात कही, जो मैंने समझी है, समझी नहीं बल्कि उस पर चलता हूँ और चलने की कोशिश करता हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, मैं भी दावा करूँ, ये जितनी बाहर की दुनिया है ये हमारी नहीं है, कुदरत की दुनिया है, ये कुदरत की दुनिया है, इसको दुनिया का कोई आदमी ठीक नहीं कर सकता, ना कोई संत कर सकता है, ना परम संत कर सकता है, ना कोई धर्म ठीक कर सकता है, ना कोई गुरु ठीक कर सकता है, ये कुदरत की दुनिया है, इसको कुदरत ही ठीक कर सकती है। एक बात, नंबर दो, एक है संसार। संसार तुम्हारा अपना है, मेरा संसार अपना है। परमदयाल जी महाराज ने इसको बहुत प्रेम से हमें समझाया। सम कहते हैं सामने, सम कहते हैं सामने, मेरे सम कौन है? सार होती है वो वस्तु जिसके सामने कोई चीज है, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप सार हैं, मैं शरीर हूँ, आप सार हैं, देखने वाले आप हैं, मैं अब शरीर में आपके सामने बैठा हूँ, तो शरीर ज़्यादा जरूरी नहीं है, देखने वाला ज़्यादा जरूरी है। आपने किस भाव से मुझे देखा, आपने किस इच्छा से मुझे देखा, वो जरूरी है, मेरा शरीर ज़्यादा जरूरी नहीं है। बात समझ गए? ऐसे ही जब हम बैठते हैं, आँख बंद करके बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, जब सिमरन करते हैं, तो हमारे अंदर एक दुनिया बनती है, बनती है कि नहीं बनती? जो अभ्यास करते हैं उनके अंदर ख्याल पैदा होते हैं, ख्याल पैदा होते हैं, वो ख्यालों की दुनिया बनती है, उसको संसार कहते हैं। वो जो संसार तुम्हारे अंदर बनता है उसको देखने वाला भी कोई अंदर है। वो संसार जो तुम्हारे अंदर बन, उस संसार को बनाने वाला कौन है? तुम्हारा मन, मन ही बनाता है ना। कभी किसी का ख्याल आ गया, कभी इसका ख्याल आ गया, कभी किसी का ख्याल आ गया, वो मन बना रहा है, लेकिन देखने वाला कोई और है, वो तुम हो।
तुम हो और वो है सार वस्तु जो तुम हो जो देखते हो। फिर समझाता हूँ, तुम्हारी आंख है तुम देख रहे हो, ठीक है, साधारण रूप से आप देख रहे हो। तुम अपने किसी काम में लगे हुए हो, तुम्हारे पास से कोई आदमी चला गया, उसके पीछे कोई और आदमी लगा हुआ है, वो आके आपको पूछता है कि भाई साहब आपके पास से ऐसा आदमी गया, उसने ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए थे, आप क्या कहोगे? नहीं भाई, मैंने ध्यान नहीं किया, मेरी बात को पकड़ो, मैंने ध्यान नहीं किया कि मेरे पास से कौन गुजरा, किसे कपड़े थे। इसका मतलब ये हुआ कि आंख कोई और चीज है और ध्यान कोई और चीज है, बात को पकड़ा? तो जो ध्यान करने वाली चीज है वो सार है, जो ध्यान करने वाली चीज है वो सार है। फिर इसको और क्लियर कर देता हूं मैं, क्योंकि ये बाबा फकीर का स्थान है, यहां किसी चीज को गुंजन में नहीं रखा जाता। मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज मैं फिर उस बात को रिपीट करता हूं ताकि तुम सार को समझो कि सार क्या है। मेरे पाँव में चोट लग गई है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर साहब मेरे पाँव में चोट लग गई या मेरे पाँव में दर्द होती है, मेरा पाँव, मैं और हूँ, मेरा मतलब मेरा पाँव और है, ठीक है, फिर पेट में दर्द होगी, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं क्या कहूँगा, मेरे दर्द हुई? नहीं कहूँगा ना, मैं कहूँगा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हुई, तो मेरा पेट और हो गया, मेरी दर्द और हो गई, मैं और हो गया ना, पेट भी और है, शरीर भी और है। फिर आपकी आंख में कुछ हो गया, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या कहोगे? डॉक्टर साहब मेरे को कुछ हो गया। आप कहेंगे मेरी आंख में कुछ हो गया। तुम आंख भी नहीं हो, तुम और हो, तुम्हारी आंख कुछ और है। फिर आगे चलता हूँ, तुम बातचीत करते हो, तुम कहोगे मेरा मन नहीं मानता इस बात को, तो अब मैं और हूँ, मेरा मन और, अबे कुमार बाबा फकीर जी की वाणी है, मैं और हूँ, मेरा मन और है। फिर आप कोई और गहरी बात चल पड़ी जिसके से चले, ओ यार बह जा मेरी आत्मा ने इस गल मन दी, ओ तू बह जा मेरी आत्मा तेरी गल नहीं मन दी। अब यहां भी दो चीजें हो गई, मेरी आत्मा मैं नहीं हूं, मैं और हूँ, मेरी बात को पकड़ रहे हो बेटा, आप करनाल से आए हैं, मैं और हूँ, मेरी आत्मा और है। अब सवाल क्या हुआ, हल क्या निकला, सवाल का हल ये निकला कि मैं पैर भी नहीं हूँ, मैं पेट भी नहीं हूँ, मैं आँख भी नहीं हूँ, मैं अब मन भी नहीं हूँ, मैं आत्मा भी नहीं हूँ, मैं कुछ और हूं, और जो और है वो सार है। क्या कहा मैंने, सौदा कर भाई गुरु की हाट पर चल, और सार का सार वस्तु कुछ और है, सौदा कर भाई, यही है, पढ़ो फिर दोबारा, पकड़ो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, आगे चलो। साधु संत दर की भाई गुहाट लगाए, सार सबद कछु बात है, सौदा करु भाए। अब उसका सौदा करना है, आगे चलो कैसे। भाव खुला पच रंग का बहु करत दलाली। अब सुनो बात मेरी, ध्यान से सुनना। अब कबीर साहब ने पता नहीं क्या कहा, ये तो वो जाने भाई, मैं तो जो अपने सतगुरु बाबा फकीर की संगत में बैठकर समझा, मैं तो वो कह सकता हूँ। वो कहते हैं भाव खुला पंच रंग का बह करते दलाली। जिसने कोई चीज खरीदन जाने हैं तो दलाल होंगे ना, उत्थे दलाल होते हैं कि हम सौदा करा देंगे जी, प्रॉपर्टी के डीलर भी होते हैं, बाकी चीज़ों के भी बड़े बड़े डीलर होते हैं, होते कि नहीं होते? तो वहाँ क्या खुला है भाव, किसका? पाँच रंग का भाव है। अब पांच रंग क्या है, ये तो कबीर साहब जाने। मैं जो समझा, हमारे शरीर के पांच तत्व हैं, हमारे शरीर के पांच तत्व हैं, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है,
अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। ये हमारा शरीर जो है इन पांच तत्वों का बना हुआ है, और पांच तत्व जो है वो हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे विचार को हर वक्त प्रभावित करते रहते हैं। किसी का मन, किसी के शरीर के ये पांच तत्व तमोगुणी हैं, किसी शरीर के ये शरीर के जो पांच तत्व हैं वो सतोगुणी हैं, और किसी के रजोगुणी हैं। बात समझ रहे हैं? तो वहाँ क्या होता है, जब हम अभ्यास करने बैठते हैं तो ये पांचों तत्व और तीन गुण हमारे अंदर आकर हमें रुकावट डालते हैं। वो वहाँ पर वो बन गए, क्या होते हैं, क्या है वो, क्या लिखा है इसने, डीलर बन गए। पढ़ो लाइन, पढ़ो। भाव खुला पच रंग का बहु करत दलाली करते हैं फिर कि नहीं आपने आगे आगे नहीं जाना। तमोगुणी भी अपना प्रभाव करता है, रजोगुणी भी अपना प्रभाव करता है, सतोगुणी भी अपना प्रभाव करता है, और वो जो हमारे शरीर का शरीर के पांच तत्व हैं वो उसके कारण होता है जो कुछ होता है। इसलिए संतों ने कहा कि ए इंसान, तेरा शरीर कुछ दुनिया में खास करने के लिए आया है। हर शरीर दुनिया में अपना अपना काम करने के लिए आया है। जिसने नुकसान करना है, किसी को दुखी करना है, किसी को लाभ देना है, किसी का गला काटना है, वो करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिस बेटे ने बाप की, माँ बाप की सेवा करनी है वो करेगा, जिसने नहीं करनी वो नहीं करेगा। ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि हम वैसे ही हाय हाय करते रहते हैं, भाई मेरे ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, ये किसी के बस की बात नहीं है। ये संसार बना ही ऐसे है, इसको समझना बहुत कठिन है। जब तक आप मन के अंदर नहीं उतरोगे तुम्हें इसकी सोची नहीं आएगी कि ये क्यों हो रहा है, कारण होता है उसका। हर इंसान विवश है कुछ ना कुछ करने के लिए, उसके बस में नहीं होता। हाँ, वो बाद में पश्चाताप जरूर करता है कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन उस वक्त वो पांच रंग ने उनके ऊपर दलाली कर दी, पांच रंग ने दलाली कर दी और वो मारा गया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जब तुम चलोगे अंदर तो फिर क्या पांच रंग जो दलाली करेंगे, फिर क्या होगा, आगे चलो। भाव खुला पच रंग का बहु करत दलाले, जाके हाथ विवेक में करी देत सवाई। अब तो फैसला ही कर दिया, जिसके पास विवेक है, जिसके पास गुरु का ज्ञान है, जिसको समझ है, जो हंस और परमसंस पहले बना हुआ है, वो सारा काम सफाई कर देता है। वो कोई भी झगड़ा वहाँ नहीं होने देता, ये पांच रंगों के असर को वो नहीं स्वीकार करता, वो तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणों की पार कर जाता है। ये कहते हैं ये जिसके हाथ विवेक है, यही कहा, जिसके हाथ विवेक है कर दे सफाई। तो विवेक कहाँ मिला, सत्संग, सत्संग में ही सब कुछ मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और विवेक कब आएगा, राम कृपा बिन सर्व न सोई। ये राम वो नहीं जिसकी दुनिया बात करते हैं, मैं उस राम की बात करता हूँ जो चौथे पद का राम, चौथे पद में रहता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। जिस पर उस राम की दया है वो इस विवेक को प्राप्त करेगा, दूसरा विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने, तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज क्या मांगनी चाहिए, उस मालिक से दया मांगनी चाहिए। कुछ मत मांगो, दया मांगो, और दया के साथ उसको ही मांग लो। मैं और क्या कहूँ, दया बिना मांगो, मैं तुझे ही मांगता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मिल जा। गुरु मिला तो कहा कमाना हो, जब गुरु मिल गया, तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया,
तुम तो फिर बच्चे हो, फिर क्या बात है, बच्चे को क्या चिंता होती, कोई चिंता नहीं होती, क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। पाप पुण्य पलरा भये सूरत भई डाली। जब विवेक आ गया तो फिर दो चीजें आ गई सामने, पाप भी है और पुण्य भी है। हर इंसान के जीवन में दो चीजें हैं। पाप किसको कहते हैं, मैं संत मत की बात कर रहा हूँ, मैं संतों के पाप की बात कर रहा हूँ, मैं संतों के पुण्य की बात कर रहा हूँ। संत कहते हैं संतों का जो पाप पुण्य है, दुनिया का नहीं मैं बात करता। संत कहते हैं कि इधर से जब हम नीचे को आएंगे तो पाप की दुनिया है। गगन बात को पकड़ो क्या कह रहा हूँ। जब हम यहाँ से आँखों में उतरेंगे, कान में उतरेंगे, नासिका में आएंगे, जुबान पर आएंगे, या शरीर के पांच कर्मों में आएंगे, तो हम जरूर कोई ना कोई गलती करेंगे, देखने में भी, सुनने में भी, सूंघने में भी, बोलने में भी, और खाने पीने में भी हम गलती करेंगे। बात क्या कहा मैंने, हुई ना बात। और पुण्य क्या है, पुण्य ये है कि इंसान कितना खा दे, कितना खाए, उतना खाए जितना खाने के लिए ज़रूरत है, ज़िंदगी चलती रहे, ज़िंदगी उससे ज़्यादा नहीं, ज़िंदगी जैसे चले। बाबा फ़कीर जी महाराज ने कहा, डोंट लिव टू ईट। दुनिया में इसलिए ना जियो के खाना है, खाने के लिए हम आए, जो जब मिला, जहाँ मिला, जैसा मिला खा गए। बट ईच टू लिव, केवल इतना खाओ जिससे तुम्हारा शरीर चलता रहे, क्या कहा मैंने। तो पुण्य फिर क्या हुआ कि पहले उसकी रियली बदल जाती है, उसका देखना बदल जाता है, उसका सुनना बदल जाता है, उसका बोलना भी बदल जाता है, और फिर वो ऊपर चलता है, ऊपर चलता है, ऊपर पुण्य है। मन से निकलना पुण्य है और मन में फंसना पाप है। तो जहाँ क्या कह दिया कबीर साहब ने कि भाई अब क्या हो गया, आगे जब तुम वहाँ से सौदा तो हो गया, पता लग गया भी असली चीज़ क्या है, तो पाप पुण्य की तकड़ी आ गई, तो फिर सुरत की डांडी बना लो, सुरत की डांडी बना लो। और फिर अगली लाइन में क्या कहते, फिर पढ़ो यही लाइन। पाप पुण्य पड़ा सूरत भई डारी, ज्ञान दूसरा डारी के पूरा करवाई। कर ज्ञान का दशहरा डाल दे, पूरा कर दे, ज्ञान का बट्टा ला लिया। ज्ञान का बट्टा क्या लाया कि ना मैंने पुण्य किया है, ना मैंने पाप किया है, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जो शरीर, जो कुछ किया सोहर किया भय कबीर कबीर, क्या कहा मैंने। तो ज्ञान का दशहरा क्या कहेगा, ज्ञान ये कि यू गो बियॉन्ड माइंड। अब फिर दोबारा बोल देता हूँ, हमने जो कुछ भी करते हैं जिंदगी में, हम मन के लेवल पर करते हैं ना, मन और बुद्धि के लेवल पर, हम मन और अपने इंटेलेक्ट के लेवल पर कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, हम दुनिया में जो कुछ भी करते हैं मन और बुद्धि से ही करते हैं। हम शरीर में रहते हुए मन बुद्धि से काम करते हैं, तो मन ने जो किया वो हमारे पल्ले पड़ गया। अब अगर हम इस मन की दुनिया से आगे निकल जाएं तो बाकी क्या रह गया, कुछ भी नहीं। हम उस देश में रहे ही नहीं जिस देश में हमने कर्म किया, हम उस वो देश छोड़ गए। जब भारत में, जब पंजाब में हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया और हम विदेश चले गए, अमेरिका, हमारे देश के कितने लोग कितना धन लेके चले गए, दौड़ गए ना बाहर, सरकार कुछ नहीं कर सकती, पैसा हमारा ले गए, बैठे हम वहाँ ऐश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली उन्होंने। हमारा कानून उन पर लागू नहीं हो रहा क्योंकि पाप उन्होंने इंडिया में किया, इंडिया की चोरी की, इंडिया का धन ले गए, लेकिन भारत की सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, क्या कहा मैंने।
क्योंकि वो दूसरे कानून के अंदर चले गए। ऐसे ही अगर हमसे कुछ दुनिया में हो गया, फर्ज किया हो गया, होता है और हो गया जब तक हम मन में हैं, लेवल कम हो सकता है, बुराई का लेवल कम हो सकता है, पाप का लेवल कम हो सकता है। देखना, बुरी नज़र से देखना भी पाप है, हाथ से उठाकर किसी को मारना भी पाप है ना, लेकिन पाप तो है। एक बहुत सीरियस है, एक थोड़ा कम सीरियस है, तो पाप तो हो गया। तो अगर हम सतगुरु के नाम का सहारा लेकर, ज्ञान का दुसारा बट्टा डालकर मन से निकल गए तो तुम बिल्कुल निर्मल हो गए, तुम बच गए, तुम दूसरे देश में चले गए। वहाँ पुरुष नहीं है, वह क्या कबीर ने कहा ना, पुरुष के जब तक पुरुष है तो पाप पुण्य है। जब वो पुरुष रहा नहीं, वो शरीर मन और आत्मा से आगे निकल गया, तो वहाँ तो फिर कुछ भी नहीं है, वो मेरा देश है। क्या कहा मैंने, बहुत ऊंची बात कह दी मैंने आप लोगों को। तो वहाँ आप मान पुरुष नहीं रहते हैं, आप पुरुष तब तक हैं जब मन में हैं। मन में खेलने वाला मनुष्य है, मानव है, जो मान मन से निकल गया वो मानव नहीं है, वो हंस है, वो परम हंस है, वो संत भी बन सकता है, वो परम संत भी बन सकता है। आगे पढ़ो। कई सौगा घर को चले रोका दरवानी। अब उन्होंने सौदा कर लिया, हम कहाँ चले, घर को चले। कहाँ घर, वो देश जो हमारा, हम फिर वहाँ को चले। हम शरीर को, मन को, आत्मा को छोड़कर, पाप पुण्य की दुनिया को छोड़कर, ज्ञान के दशहरे, ज्ञान उस अनुभव के सहारे जो गुरु से प्राप्त किया, हम अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गए। तो वहाँ दरबान खड़ा है, वो पूछता है क्या सौदा करके आए, दिखाओ अपने, क्या सर्टिफिकेट दिखाओ, तुम इस घर में जा भी सकते हो कि नहीं, तुम्हारी यहाँ एडमिशन हो सकती है कि नहीं, तुमने पूरे नंबर लिए कि नहीं लिए, तभी एडमिशन होगी ना। तो फिर पढ़ो यही लाइन। कई सौदा घर को चले रोका दरवानी ने रोक लिया, पूछा अरे क्या कहा, लेखा दे निजे नाम का व्यापारी। लेखा दे हूं मैनू, तू केड़ा व्यापारी करके आया, किस चीज का नाम का लेखा दे, तूने कितना नाम जपा भाई, वो नाम वो तुम्हें मिला कि नहीं मिला, कौन सा नाम, निज नाम तुमको मिला कि नहीं मिला, कि तुम कौन हो, क्या तुम अभी भी सुनील कुमार हो, जा तुम कभी अभी भी सुनील कुमार हो, जा अशोक कुमार हो, जा अभय कुमार हो, तुम कौन हो बताओ, हमें अपने निज नाम का सौदा जरा करके आए वो बताओ, दिखाओ परवाना मुझे। आगे पढ़ो क्या कहा, सुनो ध्यान से सुनो। हाँ, पानी सी पानी बही गुरु छाप दिखाए। अब क्या हुआ, फिर वह सुरत वहां बोलती है, पानी की तरह वो वाणी निकली जो गुरु ने बताई हुई है, जो गुरु ने नाम दिया हुआ है। फिर पढ़ यही लाइन, बहुत कमाल कर दिया, तो बढ़ो फिर दोबारा पढ़ो। पानी से पानी बही गुरु छाप दिखाए। मैं इस गुरु महाराज के पास, मुझे मेरे निज नाम का सौदा किया है, ये है मेरे पास प्रमाण, मेरा नाम निज ये है। क्या हुआ फिर, आगे पढ़ो। पानी सी पानी बही गुरु छाप दिखाए, इतना सुन कायल भये जम शीश नवाए। ये सब सुना तो जम राज क्या, धर्म राज क्या, उसने सिर झुका दिया, भाई तू जा, तेरा रास्ता खुला है। क्या कहा मैंने, ये है संतों की वाणी, कहा अपने घर वापस जा, तेरे पास प्रमाण पूरा है, जिस काम के लिए तू गुरु के पास गया था
तेरे पास वो परवाना दे दिया गुरु ने, वो निज नाम तुम्हें पता लग गया कि तू ना शरीर है, ना तू मन है, ना तू आत्मा है, तू तो निज है, वो ही रूप है जो मेरे मालिक का रूप है, वो ही रूप है तू। मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ, तुम आगे जाओ, वहाँ कोई तुम्हें रुकावट नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने, ये है असलियत निज नाम की, वो है सार शब्द, वो सार शब्द आगे पढ़ो, फिर पढ़ो, आगे पढ़ो। संत चले सतलोक को छोड़ा संसारी। संतों ने सतलोक छोड़ दिया। सतलोक क्या? प्रकाश की दुनिया। सतलोक क्या है? प्रकाश की दुनिया, उसको सतलोक कहते हैं। जो छठी स्टेज है वो सतलोक है, उसको उसमें क्या है, बीन बीन बीना सुनाई देती है। भाई मैं तो सच आपको बताता हूँ, ये मेरे सतगुरु पद्मजा जी महाराज बैठे हैं, इन्होंने तो मुझे कुछ नहीं दिखाया, तो आगे चल बट्टा, और आगे चल, बाजू ही पकड़ लिया ऐसे, चल आगे चल, कोई जरूरत ही नहीं। क्या है, केड़ा सजदल कमल, केड़ी त्रुकटी, केड़ा सुन, केड़ा महासुन, केड़ा बहुर को फल चक्कर पवे, ये सारा मन का खेल है। असली बात का पता लग गया तो ठेकानू बैठे रहना, हमें क्यों बैठना, किस लिए बैठना, तो फिर कहाँ पहुँचाया सतलोक, फिर आगे क्या हुआ, सतलोक से भी आगे अलख लोग, अगम लोग, फिर राधा स्वामी धाम आता है, फिर है वहाँ राधा स्वामी, वहाँ क्या है, अब सुन लो ध्यान से, वहाँ पुरुष नहीं है, वहाँ प्रकाश है और शब्द है, वहाँ प्रकाश है और शब्द है। वो प्रकाश और शब्द क्यों होता है, वो जो परम तत्व है माल के कुल, जिसको कहते हैं, जिसको खुदा कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको गॉड कहते हैं, ना जाने क्या क्या नाम उसके दे दिए, लेकिन वो किसी ने देखा नहीं, ना वो देखा जा सकता है, लेकिन उसमें हलचल होती है, हरकत होती है, हरकत होती है, और उस हरकत से दो चीज़ें पैदा होती, एक प्रकाश और एक शब्द। बस बात समझ गए, और वो प्रकाश और शब्द उसी में से हमारी सुरत पैदा होती है, उस जो वो जो वो परम तत्व है, और सुरत में भी वही गुण है जो उसमें गुण है, परम तत्व में जो गुण है वो भी उसी में गुण है, इसलिए तुम फिर क्या हो जाते हो, तुम वहाँ उसी का ही रूप हो जाते हो, वहाँ फिर और कुछ नहीं है। जिसका जिक्र बताया इन्होंने, वो दो देश हमारा ऐसा है कि वहाँ और कुछ भी नहीं है, इंसान तो पुरुष तो है ही नहीं, वहाँ वो है जा तुम हो, वो जो तुम हो, तुम प्रकाश को देखते हो और तुम ही शब्द को सुनते हो, और फिर एक ऐसी हालत आ जाती है जैसे बाबा फकीर जी महाराज ने बताया कि फिर वो सुरत प्रकाश और शब्द की भी परवाह नहीं करती, वो अपने आप में उस माल के कुल में विलीन हो जाती है, एंड ही बिकम्स द सेम एज ही इज, वो वही हो जाता है जो वो है। आगे पढ़ो। संत चले सतलोक को छोड़ा संसारी, कुंदन भय दरबार में प्रभु नजर गुजारी। क्या वहां कुंदन हो जाता है, वही हो जाता, कुंदन मीन वही जो पहले था, कुंदन कुंदन क्या होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है वो कुंदन है, सोना जो बिल्कुल उसमें कोई मिलावट नहीं था, सोने से भी मिलावट बहुत ज़्यादा आ गई है, तांबा डाल देते हैं उसमें, ये डाल देते वो डाल देते, मेरा देश तो बड़ा महान है ना, ये तो जुगाड़ बहुत गीतर से जानता है, सब कुछ कर सकता है, भगवान के भी रूप बना दिए, लो बाजार में जाओ ले आओ जड़ी मर्जी मूर्ति ले आओ, पैसे दो मूर्ति ले आओ, भगवान बिकते हैं हमारे देश में, तो वो भगवान नहीं है, वो तुम्हारा अपना श्रद्धा है, तुम्हारा अपना विश्वास है। आगे काहे कबीर बैठो सही, सीख ले ओ हमारी। फिर पढ़ो। काहे कबीर बैठो सही, सीख ले ओ हमारी। सब कहते हैं बैठो मेरी शिक्षा लो, मैं की कहना। हाँ, काया कला पुजा पे नहीं, यह नफा तुम्हारी। फिर क्या,
वहाँ कुछ भी आपको व्याप्ता नहीं है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो मैंने देखा और जो मैंने समझा। ये 1968 की बात है, 1968 की बात है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में था, तो वहाँ से मेरी मैं था उस वक्त टेनिस का प्रेसिडेंट। टेनिस खेल होती है ना, अब तो हिंदुस्तान में कोई नहीं खेलता, वो महंगी खेल है सबसे ज़्यादा। तो मैं उसका प्रेसिडेंट था, तो मैं चार लड़कों के साथ मेरी ड्यूटी लगी मेडिकल कॉलेज अमृतसर। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मेरा वहाँ दोस्त था आई सर्जन, उसके नानके मेरे गांव में थे, तो मेरा साथ हमारा बहुत प्यार था आपस में दोनों का। तो उसको मैंने चिट्ठी लिखी कि मैं आ रहा हूँ चरण जी तेरे पास ठहरूँगा। वो कहता आ जाओ भाई, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं टीम के साथ वहाँ गया, तो बच्चों को तो कॉलेज में ठहरा दिया, हॉस्टल में बड़ी अच्छी जगह थी, बहुत इंतजाम अच्छा था, मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का पंजाब की तो बात ही क्या है। तो मैं उसके घर ठहरा, तो रात को उसको मैंने कहा चरणजीत हमारा मैच तो शाम को है, तो मैं तुम्हारा जो डेड हाउस है जहाँ मरे हुए लोग रखे जाते हैं, तुम चीर फाड़ करते हो उनकी, और क्योंकि सर्जन हो तुम भी, आई सर्जन हो, बाकी कोई सिर का सर्जन है, कोई हार्ट का सर्जन है, कोई हड्डियों का सर्जन है, तो मैं तेरे साथ आपकी डेड हाउस देखना चाहता हूँ। तो वो मुझे कहता कमल तू पागल हो गया। मैं कहा क्या बात, कहते तू तो अंदर जंदा ही बेहोश हो जाएगा। मैं कहा क्यों, तुम नहीं बेहोश होते? कहते हमने मास्क लगाया होता है। तो मैंने कहा मैं भी मास्क लगा लूँगा, तो तू डरेगा तो नहीं? मैं कहा मैं नहीं डरूँगा। अच्छा चलो, हम गए डेड हाउस खोला, बहुत बड़ा हाल, डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं इधर भी इधर भी इधर भी, और क्योंकि मास्क लगाए हुए थे तो इसलिए हमें कोई बदबू नहीं आई। मैंने कहा तू मैं जो देखना चाहता हूँ तू मुझे इंसान की खोपड़ी दिखा। कहता खोपड़ी से क्या लेना? मैं कहा मैं उसी में ही हूँ जो कुछ है। तो फिर वो मुझे एक इंसान की खोपड़ी के पास लेकर गया जो खुली हुई थी। तो मैंने कहा भाई अब देख, बात पता लग गया। मैं कहा अब ये क्या है यहाँ, ऐसे ऐसे बाउल कौली होती ना, छोटी छोटी कौली, ऐसी एक कौली बनी हुई ऐसी। मैं कहा ये क्या है, अब ये बता डॉक्टर। कहता हम डॉक्टरों का ये विश्वास है, कहता इसमें भूरे रंग का पानी होता है, भूरे रंग का पानी। तो मैं कहा वो क्या होता है? कहता हम डॉक्टरों का ये विश्वास है कि आत्मा इसमें रहती है, आत्मा इसमें रहती है। अच्छा फिर कहता जब आदमी मर जाता है तो ये इसमें हलचल होती रहती है, हर वक्त हलचल होती रहती है, चाहे आदमी सोया है जागता है, ये अपने आप इसमें हलचल होती रहती है। जब आदमी की डेथ हो जाती तो ये बंद हो जाती है, हरकत बंद हो जाती है। मैं कहा अच्छा मेरी बात समझ में लग गई। मैं किस नतीजे पर पहुंचा कि वो जो हरकत होती है उसको तुम बच्चे के सिर के ऊपर, छोटे बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखो, जो अभी दो तीन दिन का है, पाँच महीने का या छः महीने, उसमें टक 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 होता है ना। अब वो हरकत हो रही है, और वो हरकत जब तक हमारा शरीर है, हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, वो हरकत होती रहती है। अब वो जो हरकत है मैं उसको अंग्रेजी में पिस्टन कहता हूँ, पिस्टन। पिस्टन जानते हो, गाड़ी चलती, गाड़ी पिस्टन के सिर पर चलती है। उस पिस्टन को हिलाने वाली कौन चीज़ है? वो हमारी सुरत है, वो प्रकाश नहीं है, वो सुरत है, वो हस्ती है, उसमें ताकत है। वो ताकत किसकी है? उस माल के कुल की अंश है हम, तो वो उसमें हरकत होती रहती है, उस हरकत के कारण हमारे को सांस आता है। तुम नहीं सांस लेते हो, वो हरकत हो रही ऐसे 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 ऐसे, और उसके कारण हमारा सांस चल रहा है, और वो सांस ही हमारी जिंदगी है। अब वो जो हस्ती है, वो जो हस्ती है वहाँ शब्द होता है। वो शब्द क्या है? वो शब्द उसी से निकला है, और वो जो सुनने वाली हस्ती वो सार है। क्या कहा मैंने? वो सुनने वाली शब्द को और प्रकाश को देखने वाली जो हस्ती है वो सार है। ना शब्द सार है, ना प्रकाश सार है। मैं ये समझा कि वो जो जिसका रूप कोई नहीं है लेकिन वो है,
अब मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर। जैसे बाबा फकीर जी महाराज ने कृपा करके हमें समझाया, चार आदमी हम बैठे थे, मैं बैठा था, नारायण दास जी बैठे थे, मास्टर मोहन लाल बैठे थे, और क्या नाम है, गोपाल बैठा था। वो वहाँ चारपाई लगती थी महाराज जी की, वहाँ तो हम वहाँ उनके पास बैठा करते थे। तो महाराज जी ने बताया उस हस्ती के बारे में कि वो हस्ती क्या है, जीवन और है, हस्ती और है। कहते बच्चों देखो, एक नौजवान लड़का सड़क पर जा रहा है और अपने में मस्त है, पीछे से कोई गाड़ी आई, उसको टक्कर मारी और उसकी टांग के ऊपर से निकल गई, टांग चूर चूर हो गई, और वो चिल्ला रहा है, मैं मर गया माँ, मुझे बचाओ भाई, मुझे बचाओ। ऐसे होता है ना, तो लोगों ने उठाया, उसको हॉस्पिटल ले गए, चिल्ला रहा है, रो रहा है, मेरे बचाओ, मैं मर गया मर गया मर गया। तो उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, और फिर क्या हुआ, पेरेंट्स को डॉक्टर्स ने कहा देखो आपके बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, खून बहुत जा रहा है, तो मुझे बताओ कि लड़के की टांग बचानी है कि लड़के को बचाना है, टांग तो काटनी पड़ेगी नहीं तो ये लड़का मर जाएगा। वो कहेंगे डॉक्टर साहब जो लिखाना लिखा लो, पर जल्दी करो आप, मेरा बच्चा बच जाए। फिर वो उसको इंजेक्शन देते हैं ना, जैसे इंजेक्शन देते हैं वो शरीर सुन्न हो जाता है। सुन्न का मतलब क्या है, हम भी अभ्यास में सुन्न में जाते हैं ना, जो अभ्यास करते हैं उन भी सुन्न में जाते हैं, तो सुन्न में क्या होता है, शरीर का पता नहीं रहता, शरीर का पता नहीं रहता, शरीर है या नहीं है। महासुन्न में क्या होता है, वहाँ मन भी नहीं रहता, न शरीर न मन, तुम अकेले होने लग जाते हो। तो वो आदमी बेहोश हो जाता है, वो जो चेतन शक्ति है, वो जो चेतन शक्ति जहाँ से हमारे सारे शरीर में फैली हुई है, वो उस इंजेक्शन ने उस चेतन शक्ति को जहाँ से पीछे भेज दिया, जहाँ भेज दिया, और वो शांत हो गया। अब उसका हार्ट चल रहा है, उसकी नब्ज चल रही है, मशीनें बता रही हैं कि हार्ट की पल्पिटेशन कितनी है, नब्ज की स्पीड कितनी बता रही है ना, लेकिन बंदा तो जिंदा है, लेकिन ना वो बोल सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो हाथ हिला सकता है। माँ बथेरा कहती बच्चा बोल, लेकिन वो बोल नहीं सकता। तो क्या हुआ, बोलने वाली हस्ती, सुनने वाली हस्ती, देखने वाली हस्ती, शरीर को हिलाने वाली हस्ती कहाँ चली गई, वो अपने वापस जहाँ चली गई। मेरी अब तो बात को समझे, तो सुरत जो है वो वास्तव में हम हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम मन भी नहीं हैं, और हम आत्मा भी नहीं है। वो सौदा हमने करना है, कौन सा पहली लाइन फिर पढ़ो, वो सौदा, निज पै पारी नाम का हाट चलु भाए, साध संत गाकी भए गुरु हाट लगाई। अब विवेक सौदा क्या दुनिया वाले गुरु देते हैं, जा दुनिया वाले लोग उसको लेने जाते हैं, दोनों तरफ में अंधेर है, ना देने वालों को पता है कि हमने क्या देना है, ना लेने वाले को पता कि हमने कहाँ जाना है। तो बताइए इस धार्मिक देश में जहाँ पता नहीं कितने डेरे हैं, कितने संत हैं, कितने आचार्य हैं, और जो ये कहते कोई कोई तो मुझे पता लगा है, एक हमारे यहाँ लेडी आती थी, आती भी है अभी शायद भी आएगी, वो मुझे पता चला वो लेडीज को कहती है मेरे पास आओ तो मैं पार कर दूंगी, मेरे को तो 24 घंटे अनहद सुन रहा है। बताइए तो ऐसे ऐसे तो जहाँ हमारे भक्त पैदा हो जाते हैं, जिनको पता नहीं गुरु किसको कहते हैं, जिनको ये नहीं पता गुरु किसको कहते हैं, और शलांग लगाकर बैसाखी के ऊपर स्टेज पर बैठ जाते हैं, क्योंकि एक शाल मिल जाएगा और पैसों का लफाफा मिल जाएगा। ये तो हाल है हमारे आचार्यों का। मैं इधर गया गाँव में, वापस से आया मैं अलीगढ़ से, तो एक आया आदमी, एक उसके साथ साथी, तो लोगों ने उनको हार डाल दिया, मैं देखूँ मैं कह कौन आ गया भाई, ये प्रेम मेरे साथ था, मेरे साथ बचा, वो भी है नहीं,
अब वो मेरा प्यारा बहुत था बलराज साहब था ते वो बाप महका भी उन्हें भी जैकेट पाई हुई एक सेवक नाल ते जिथे मैं बैठूँ मेरे नाल बैठे और फोटो खिंचाए फोटो वाले कहे फोटो खिंचो। फिर उसके बाद मैं बाथरूम गया मेरे पीछे मैं सत्संग से बैठा मेरे नाल मैं कहूँ उत्थे बैठ तू थले चल बैठ तू कौन है भाई मुझे बता तो सही कहाँ से आया है कुछ नहीं। मैं दूसरे दिन यहाँ आ गया तो मुझे फ़ोन आया महाराज जी अगर आपकी आ गया हो तो संगत आज बहुत क्योंकि मैं तो आ गया था। मैंने कहा मैं रात को जा नहीं ठहर सकता कोई इंतजाम नहीं है तुम्हारा मच्छर है कोई दरवाजे नहीं लगे मकान को तुम हमें यहाँ ठहरा रहे हो मैं बीमार होने नहीं आया तो मैं बाहर से 6 बजे चला रात को 11 बजे मैं वहाँ पहुँचा बिलारी आकर। बाबा जी यहाँ संगत बहुत आई है आज लंगर है इनका तो मुझे आज्ञा दो मैं कुछ बोलूँ। मैं कहा तू है कौन बोलने वाला भाई कौन है तेरा गुरु मुझे आज्ञा दे। मैं कहा मैं बिल्कुल किसी को आज्ञा नहीं देता तुम मेरी फोटो दिखाओगे देखो मैं कमल जी महाराज के साथ और देखो मेरे साथ है मेरे को बड़ा उनका आशीर्वाद है। ऐसा तो यहाँ के आचार्य पैदा हो गए ऐसे आचार्य पैदा हो गए और कहते हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए। बचो इन लोगों से सब धोखा है सब फ्रेम है सब झूठ है तुम्हारा तुम्हारे साथ कोई हित नहीं करता। गुरु वो है जो अपने शिष्य से हित करता है उसके दुख को सुनता है उसके दुख को दूर करने की कोशिश करता है वो फकीर होता है। जो ऐसे ही दुनिया आ रही है हजारों की तादाद में और उठे अपने कमरे में चल जाए कोई मिल नहीं सकता कोई टेलीफोन नहीं सुन सकते तुम किसी का तो वहाँ जाने से बचो भाई। मैंने आपको आपके घर का पता बता दिया मैंने आपको दाता दयाल जी की वाणी से सुना दिया कि तुम किसका सौदा करो जिंदगी में रहो खूब काम करो जो कुदरत ने तुम्हें काम दिया है जो कुदरत ने तुम्हें काम दिया है वो खूब करो करो दिल लगा कर करो और ये समझो कि ये गुरु का काम है तुम्हारा नहीं है। तुम्हें दुनिया में कोई घाटा नहीं रहेगा जिस दिन तुम उसके साथ जुड़ गए कि ये मैं करूँगा मेरे ये फायदा होगा तो फिर नहीं। जब तुम गुरु का काम समझ के करोगे तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी और तुम्हारा सफलता होगा जीवन में सुख मिलेगा शांति मिलेगी और परिवार में भी सुखी से रहो प्रेम से रहो मीठा बोलो मीठी वाणी बोलो मुख से मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। और फिर गुरु नानक साहब ने कहा नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए वो वाणी नु कौन सुन रहा है इत्थे कोई नहीं सुनता कोई परवाह नहीं करता बस सब काल और माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि जो लोग मानवता मंदिर में आते हैं वो मानवता को समझे कि इंसानियत क्या है। जिसने इंसानियत नहीं समझी वो रूहानियत को क्या समझेगा। पहले इंसान बनना है इंसान के लिए कोई धर्म नहीं है इंसान के लिए कोई कर्म नहीं है इंसान का कर्म है वर्क इज वर्शिप कर्म ही पूजा है। और इसीलिए मेरे दाता ने कह दिया ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप तू अपनी नीयत को साफ रख और अपना कर्म कर क्योंकि वहाँ कर्म का हिसाब होगा वहाँ ये नहीं देखने के माला कितनी फेरी आपने। तो मैंने बहुत कुछ कह दिया अगर कोई बात ऐसी कहती हो जो आपके मन को अच्छी ना लगे उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ सत्य कहने के लिए मजबूर हूँ ताकि मेरे सिर पर कोई बोझ ना रहे सबको मेरा प्यार भरा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।